छी, रेस्टोरेंट के टॉयलेट में बन रहे थे गर्मा गर्म समोसे। पता लगते ही मच गया बवाल। तो आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले घटना के बारे में। जब आप किसी रेस्टोरेंट या भोजनालय में जाते हैं तो आपको उम्मीद रहती है कि यहाँ पर अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वही कुछ लोग उसी जगह पर खाने के लिए जाते हैं जहाँ भरोसा होता है कि उन्हें बेहतरीन स्वाद वाला भोजन परोसा जाएगा। लोगों का भरोसा तब टूट जाता है जब उन्हें पता चलता है कि खाना बनाने वाली जगह पर गंदगी होती है या फिर खाने में मिलावट किया जा रहा है। सऊदी अरब में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर पिछले 30 सालों से टॉयलेट में समोसा व अन्य स्नैक्स बनाए जा रहे थे। आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट शौचालय में खाने को तैयार कर रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। सऊदी अरब में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर समोसा टॉयलेट में बनाया जा रहा था। हालांकि जब अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो रेस्टोरेंट में जाकर जांच की और तत्काल प्रभाव से रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। अधिकारियों को जानकारी मिली कि ये रेस्टोरेंट 30 से अधिक वर्षों से शौचालय में समोसा और अन्य स्नैक्स तैयार कर रहा है। जेद्दा नगर पालिका को अस्वच्छ, अस्वस्थ और गैर पेशेवर गतिविधियों के बारे में एक गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने एक रेजिडेंटल बिल्डिंग पर छापा मारा। उन्हें मालूम चला कि रेस्टोरेंट लगभग 3 दशकों से चल रहा है, जिसमें ये भी बताया गया कि रेस्टोरेंट में मांस जैसे कई एक्सपायर्ड फूड मटेरियल का भी यूज किया जा रहा था। छापे के दौरान ये भी पता चला कि पनीर और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ 2 साल पहले के थे। जब अधिकारी छापा मारने पहुंचे तो उन्हें कई कीड़े मकोड़े दिखाई दिए और कर्मचारियों के पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं था। वो सभी रेजिडेंसी कानून के खिलाफ जाकर ऐसा काम कर रहे थे। इस हैरान करने वाली घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।